गौतम बुद्धा पार्क के अधिग्रहण की सूचना से समाज में आक्रोश। बरेली में गौतम बुद्धा पार्क के अधिग्रहण की सूचना से भगवान तथागत बुद्ध की अनुयायियों आक्रोश में आ गए हैं। इस मामले में बुद्ध के अनुयायियों ने अपना विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर गौतम बुद्ध पार्क की स्थिति यथावत रखने की मांग की है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है और गौतम बुद्धा पार्क समन्वय संघर्ष समिति का सहसंयोजक हूँ। क्या मांग है जो आप ज्ञापन दिया है? हम लोगों की मांग ये है कि 25 अक्टूबर 2024 को अमर उजाला में खबर छपी थी कि गांधी चौराहा पर नटराजन की प्रतिमा लगाई जाएगी और चौराहे का नाम रखा जाएगा नटराज चौराहा। तो हमारी एक मांग है सरकार से और प्रशासन से कि इस चौराहे पर 50वें साल से गौतम बुद्धा पार्क है और गौतम बुद्धा पार्क में 50वें साल से वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और गौतम बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी समय समय पर वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम किया करते हैं, हमेशा धार्मिक कार्यक्रम किया करते हैं और वहाँ पर उसको तोड़ करके, उसका अधिग्रहण करके उसको हटाया जाएगा, ये सही नहीं है। हम लोगों की विशेष मांग ये है कि उस चौराहे पर गौतम बुद्ध के नाम से उसका नामकरण किया जाए और एक विशाल और भव्य प्रतिमा गौतम बुद्ध की लगा करके उस चौराहे पर लगाया जाए। ये गांधी उद्यान के सामने, गांधी उद्यान के सामने तथागत गौतम बुद्ध के नाम से एक विशाल भव्य मूर्ति लगा करके उसका गौतम बुद्ध के नाम से नामकरण किया जाए। आप लोग कई वर्षों से उसमें कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, सभी कार्यक्रम 50वें वर्षों से हम लोग धार्मिक कार्यक्रम उस बुद्धा पार्क में करते चले आ रहे हैं। किससे मांग करी आप? मंडल आयुक्त, हम लोग चूंकि मंडल आयुक्त को भी हम लोगों ने दिया है, डीएम साहब को भी दिया है ज्ञापन और हम लोग नगर निगम को भी ज्ञापन देंगे, नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है, बीडीओ उपाध्यक्ष को ज्ञापन देंगे और यहाँ पर लगभग सभी विधायक और सभी सांसदों को हम लोग ज्ञापन देंगे।